हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति के हितों के अगर प्रतिकूल कोई कार्य होता है तो ऐसे में उसे अटकाने के लिए वो स्टे ऑर्डर, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेता है। तो आखिर ये स्टे ऑर्डर होता क्या है, उस कैसे मिलता है, कितने समय में मिलता है, और अगर हम किसी कार्य को अटकाने के लिए स्टे ऑर्डर लाते हैं और अपोजिट पार्टी अगर उस स्टे ऑर्डर का अमल नहीं करती है, पालन नहीं करती है, तो क्या हो सकता है। इन सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके हितों के प्रतिकूल कोई कार्य हो रहा है तो उसे रोकने के लिए वो कोर्ट में जाता है और फिर स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन करता है और स्टे ऑर्डर लेता है, जिससे उसके हितों के खिलाफ जो कार्य हो रहा है उसे रोका जा सके। तो अब कोर्ट जो स्टे ऑर्डर है वो किन किन कारणों की वजह से लिया जा सकता है, इसके बारे में बात करें तो पहला है कि आपकी प्रॉपर्टी या जमीन पर अगर कोई निर्माण कर रहा है तो उसे रोकने के लिए स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी को कोई रोक तोड़ रहा है तो उसे रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। इसके साथ साथ आपकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसमें किसी को प्रवेश करने से रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। और कोई विभाग है जो आपके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है तो उसे रोकने के लिए भी स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है। तो इन कारणों की वजह से स्टे ऑर्डर आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टे ऑर्डर मिलता कैसे, यानी कि उसे कैसे हासिल किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको कोर्ट में एक एप्लीकेशन करनी होती है जो कि सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार करनी होती है, जो कि ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 की तरह आपको सिविल एप्लीकेशन करनी होती है। और कोर्ट में एप्लीकेशन में परिस्थिति बयां करनी होती है और कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी होती है कि ऐसी परिस्थिति है और मेरे हितों कि जो है रक्षा कीजिए और इस कार्यवाही के खिलाफ मुझे स्टे ऑर्डर दीजिए। और कोर्ट जो ऑर्डर पसंद करते हैं वो स्टे ऑर्डर होता है, जिससे जो कार्यवाही हो रही है या जो फिर जो प्रतिकूल कार्यवाही हो रही है वो उसे रोका जा सके। जब आप स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन कोर्ट में करते हैं तो अक्सर ये होता है कि कोर्ट एक सामने वाली पार्टी को यानी कि अपोजिट पार्टी को नोटिस सेंड करता है और उसके बाद सामने वाले पार्टी आती है और उसका जवाब रखते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि अगर जो सिचुएशन है, अगर वो कोर्ट नोटिस निकालते हैं और सामने वाले पार्टी आती है फिर या नहीं आती या जवाब देती नहीं देती, जो भी होता है उसमें समय अगर पसार होता है तो जो परिस्थिति होती है वो बहुत ही बिगड़ सकती है, जो आपके हितों के खिलाफ वाली है। तो आप कोर्ट को ये भी कन्विंस कर सकते हैं कि सर ये परिस्थिति ऐसी है कि अगर जब आप नोटिस निकालेंगे वो आएगा तब तक काफी देर हो जाएगी, तब तक परिस्थिति बदल सकती है, काफी चेंजेस हो सकता है और उसके कारण ये जो स्टे ऑर्डर है उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अर्जेंट लेवल पर भी कोर्ट एक या दो दिन में ही उसी आपकी एप्लीकेशन में बिना ऑपोजिट पार्टी को सुने ही आपके ऑर्डर पर आप स्टे ऑर्डर दे देता है, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कोर्ट को कन्विंस करना होता है, इसके साथ साथ आपको प्रॉपर एविडेंस और काफी मजबूत पक्ष रखना पड़ता है जिससे आप कोर्ट को आप कन्विंस कर सके और स्टे ऑर्डर मिल सके। जैसे अगर आपने ऐसा कर दिया और स्टे ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो अपोजिट पार्टी है उसे आपको उसे स्पीड पोस्ट से स्टे ऑर्डर की कॉपी भेज देनी होती है, जिससे वो कार्य प्रति आपके जो हितों के प्रतिकूल कार्य कर रहा है उसे रोका जा सके। अब उसे जब नोटिस मिल जाता है फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्टे ऑर्डर का अवमानना करता है, स्टे ऑर्डर को मानने से इनकार करता है और अगर उसका कार्य वो कंटिन्यू करता है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन कर सकते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और स्टे ऑर्डर की अवमानना की जा रही है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है और जो व्यक्ति स्टे ऑर्डर के खिलाफ जाकर भी प्रतिकूल कार्य करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है,
जो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलता है, जिसमें उसकी संपत्ति के ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है। इसके साथ साथ उसे 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। तो इस तरीके से स्टे ऑर्डर लिया जाता है। एक सिंपल तरीका है कि आपको कोर्ट में एप्लीकेशन करनी है, आपको परिस्थिति बयां करनी है और आपके हितों की जो रक्षा के लिए कोर्ट से गुजारिश करनी है, और अभी परिस्थिति जो है कि आपके हितों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है तो उसे रोका जा सके, और मजबूत एविडेंस आपको पेश करने हैं, और कोर्ट आपकी जो एविडेंस है, आपकी एप्लीकेशन है, उसे देखकर, रीड करकर, आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स है उसे सुनकर अपना फैसला देती है। अगर कोई अर्जेंट लेवल होता है तो सामने वाले पार्टी को नोटिस दिए बिना ही कोर्ट आपके फेवर में स्टे ऑर्डर दे सकते हैं, और उस स्टे ऑर्डर के कारण आपके जो हितों की रक्षा की जा सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन थी कि स्टे ऑर्डर क्या होता है, उसे किस तरीके से लिया जा सकता है, कितने दिनों में मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति स्टे ऑर्डर को मानने से इनकार करता है या स्टे ऑर्डर की जो कंडीशन है उसे वायोलेट करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही किस तरीके से की जा सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।